कोई भी बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होता, डायमेंशन चेंज होती है, बदलते वक्त के साथ उसके तकाजे भी बदलते हैं, हमें अपने आप को बदलना है। आज का जो दौर है ना वो इसका दौर है, जो इस पे है वो हर जगह पे है, जो इस पे नहीं है वो कहीं भी नहीं है। अपनी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उसको तब्दील कर दो, वो सब आपके पास आने के लिए फिर से मजबूर हो जाएंगे, इसका सहारा लेंगे, इसका सहारा ही लिया था। असल में मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ श्रीलंका से फाइबर, ये फॉल सीलिंग में इस्तेमाल होता है, तो उसमें कुछ हमें कुछ वाला प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ रही है। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये हैं कि जो उसमें कंपटीशन आया एक, और दूसरी बात ये कंपटीशन उनकी तरफ से आया कि जो कार्गो वाले उन्होंने खुद अपना इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो उस वेयर हाउस वाले ने मेरे सारे क्लाइंट जो हैं वहीं से आ रहे थे, वहाँ से माल लेके जा रहे थे, तो उसने खुद ही इम्पोर्ट करके वो सारे जितने क्लाइंट मेरे थे, दूसरी एक दो पार्टी इम्पोर्ट थे लाहौर के, तो उन सब ने मिल के जो है ना मैंने अपनी की वो सारे जो क्लाइंट थे उन्होंने कैच किया, तो इसीलिए तकरीबन बिजनेस ख़त्म ही तकरीबन करीब करीब ही है। कोई भी बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं होता, डायमेंशन चेंज होती है, लेकिन बात यह है कि उनके पास जितने कॉन्टैक्ट्स थे, जितनी पार्टीज आ रही थी वो सारी उधर आके ले जा रही थी उस अड्डे पे, अब उन्होंने उन सबको कैच कर लिया ना, सिर्फ मेरा ही वहाँ माल पड़ा हुआ था, मेरे अलावा दो इम्पोर्टर और भी अल्लाह होती है उनका भी इधर पड़ा हुआ था, एक और को सबने काफ़ी ज़्यादा डज लगाई और मुझे ऑप्शन है, या आपको अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो पहले भी बिल्कुल ही कम था, फिर आप अब चाहते हैं कि आपने सोचा क्या है, यानी मैं उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आने का मकसद सिर्फ यही है कि ज़रूर आपसे कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिसके ज़रिए या तो हम उसी को पकड़ लेंगे, जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ में जो डायमेंशंस होती हैं, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि कुछ आपकी तरफ से कोई ऐसी राय मिलेगी। रास्ता तो उसी से निकलेगा, रास्ता तो वहीं से निकलेगा। पंजाबी की एक कहावत है कि आलूआ का घाटा आलू ही पूरा कर देते, ये तो हो नहीं सकता कि खसारा आपको आलू में अगर आप चावल में पूरा करें मुमकिन नहीं, लेकिन जब उन पार्टियों को उधर उसके अड्डे पर ले गया है उधर से उसने सब के नंबर सब कर लिए। बहुत आसान है, थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिजनेस के अंदर ना प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको एक प्रॉब्लम आ गया, अब इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है। मैं ये कहता होता हूँ कि जब फंस जाओ ना तो नंगे हो जाओ, उनके जो ओले हैं ना ओले ख़त्म कर दो, आपका तो नुकसान जो होना वो हो गया, जो हो रहा है ना उसको होने दो और आप आ जाओ, इससे जो सीख गया ना लोगों को सिखाना शुरू कर दो, आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। पूछें क्यों? वो लोग बैठे हुए हैं एक अड्डे के ऊपर, उनको कोई नहीं जानता। आप जब इस सोशल मीडिया पे आके यही काम, हर वो चीज़ जो लोगों के लिए नई है वो लोगों के लिए खोल के रख दोगे ना, तो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। नया कस्टमर जो वो आपके पास आएगा, बेशक वो वहाँ पे जाए लेकिन वहाँ से परचेजिंग नहीं करेगा, वो आपसे करेगा। इस मार्केट का एक ही तोड़ है, इसके अलावा इस वक्त आपके काम का तोड़ कोई नहीं है। हर वो चीज़ खोल के बयान कर दो, आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो ना, ये प्रॉफिट भी लोगों के सामने रखो कि मैं इस काम में इतना प्रॉफिट ले रहा हूँ, और मुझसे चीज़ लेनी है तो लो, नहीं लेनी ला लो, मैं तो सिखा रहा हूँ, ओपन कर दो इसको।